हेलो गाइस, तो आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे आपको विकास की शादी पार्ट 5। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट्स में बताएं कैसी लगी विकास की शादी पार्ट 5। हेलो दोस्तों, तो अब दूल्हे राजा ना चुके हैं और साथ में हैं विनायक और अभी आप दूल्हे राजा को तिलक कर रहे हैं और ये है विधि। विधि यहाँ पे इनको तिलक करेगी, इनकी नज़र उतारेगी, इनका आरदा करेंगी, तब फिर इनको उतार के नीचे पट्टे से और फिर ये निकासी के लिए तैयार होंगे। लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है, क्योंकि इनको उतारने के लिए चाहिए मामा जी, जो कि यहाँ पे हाजिर नहीं है। आप किस मामा जी, आप उतार दीजिए। हाँ, ये हाथ में 100 रुपये ज़रूर देने पड़ते हैं, फालतू भी दे सकते हैं। तो मामा जी ने 100 रुपये दिए अभी। अब मामा जी, हाँ, इनको पट्टे से उतार दीजिए मामा जी। ये यहाँ नीचे इसको दबा दो, इसको, हाँ, इसको तोड़ना है, इसको इसको पैर रख के, हाँ, उठाओ इसको और हाँ, इसको वहाँ इधर ले आओ, इधर, बस हो गया, इधर ये पट्टे से उतारेंगे इनको, तोड़ दो इसको, ये ऐसे। ये देखो, दूल्हे को कौन कहता है, दूल्हे को भूख नहीं लगती, दुल्हन से पहले इनको भूख लग रही है बहुत ज्यादा। और ये देखो चाची जी इनको खिला रही है, कढ़ी पी रहे हैं, कढ़ी के शौकीन है, कढ़ी के शौकीन है ये, कढ़ी पीते हुए चाची को कढ़ी पिला रही है। और इस कढ़ी की वजह से बारात पूरे 2 घंटे लेट चल रही है, क्योंकि कढ़ी तैयार नहीं थी। दूल्हे ने कहा कढ़ी खाऊंगा तो मैं जाऊंगा। कढ़ी तो तैयार थी, दूल्हे राजा बोले जाते टाइम खाऊंगा, जाते टाइम खाऊंगा। अब ये निकासी पे बैठेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोस्तों, जितेंद्र जिया जी और आशीष जिया जी दोनों विकास दाम को माला पहनाएंगे और सारा बांधेंगे। ये हमारे सारे साले साहब हैं, ये जुहारी कम कर रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं इसमें से। मैं सबकी देख रहा हूँ, चिंता मत करो, वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए बना रहा हूँ। सारे लूट रहे फिर से। हाय, बराती चल पड़े हैं और अब मैं और दूल्हे का दोस्त और हमारे साथ कैमरामैन है, हमारे पीछे गाड़ियां आ रही हैं, बस आ रही है और हम सब अब बारात के लिए रवाना हो गए हैं। जल्दी बारात का दिखाएंगे, बीच में रास्ते का सीन दिखाएंगे आप लोगों को। गाड़ियां हमारी जा रही हैं, ये हमारी वाली गाड़ी खड़ी है और ये हमारी बस आ गई है कैबलेट्स के लिए। ये हमारी बस है, हमारी बस रेडी है ये बराती जाते हुए। बाय। पिछले 1.5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं, बहुत भयंकर जाम है यहाँ पे, फ्लाईओवर के ऊपर भी, फ्लाईओवर के नीचे भी, गाड़ी चल नहीं, रेंग रही है। जिस हिसाब से चल रही है, हमें नहीं लग रहा हम 3 से 4 घंटे में पहुँचेंगे। काफ़ी देर की थकान के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके यहाँ पे, फिर से चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। दो लोगों का वेट है। दोस्तों, हम अपने डिस्टेंस से 100 मीटर की दूरी पर हैं, तो इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, विकास की शादी पार्ट 6।